एक वीडियो वायरल और पाकिस्तान में मच गया बवाल। भारत नहीं, भारत के दोस्त रूस ने मचा दी पाकिस्तान में तबाही। रूस ने की पाकिस्तान के अंत की शुरुआत, पाकिस्तान का होगा खेल खत्म। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी पक्की है, और इसी के चक्कर में कई बार देखा गया है कि पाकिस्तान रूस से अपने रिश्ते सुधारने पर जोर देता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि रूस भारत का पक्का दोस्त है, इसलिए रूस भी जानता है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना उसके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि भारत एशिया में रूस का सबसे बड़ा फायदेमंद दोस्त है, जिसने हमेशा रूस का साथ दिया है। अब दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत जिस तरह से पूरी दुनिया को नज़रअंदाज करके और अमेरिका के प्रतिबंधों को अनदेखा करके जिस तरह से रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, उसको देख पाकिस्तान में भी चुल मच रही थी कि वह भी एक स्वतंत्र देश होने के नाते रशिया से कच्चा तेल खरीदे। अब दोस्तों, दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत की तरह रूस से सस्ता तेल मंगाने का सपना देख रहा पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और इमरान खान को व्लादिमीर पुतिन ने करारा झटका दे दिया है। पाकिस्तान की पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार ने रूस को सस्ता तेल देने के लिए कुछ महीने पहले पत्र जो लिखा था, उस पत्र का जवाब पुतिन सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा नहीं रहता है तो उनका देश रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है। CNN को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने ये पूछे जाने पर कि क्या भारत की तरह अगर सस्ते तेल का ऑफर मिलता है तो पाकिस्तान उसे रूस से खरीदने पर विचार करेगा, इस पर इस्माइल ने कहा कि हाँ, बिल्कुल इस पर विचार करेंगे। हालांकि इस्माइल ने यह भी कहा कि वह नहीं समझते कि यह पाकिस्तानी बैंकों के लिए संभव है या नहीं रूसी तेल खरीदने के लिए व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को अभी तक रूस ने इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस्माइल ने कहा कि पिछले सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर बातचीत की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि रूस अभी प्रतिबंधों के दायरे में है। रूस ने पिछली सरकार की ओर से लिखे गए पत्र का अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस से तेल खरीदने की कल्पना करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के मुताबिक मॉस्को से तेल खरीदने पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि जो बाइडेन नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं, जो भविष्य में तेल खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के वित्त मंत्री के बयान पर इमरान खान के बहुत ही नज़दीकी मंत्री रहे सीरीन मजारी ने उनकी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री इस्माइल बेवकूफ है। मजारी ने कहा, रूस से तेल खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत से पूछो। वास्तव में अमेरिका के डर के अलावा उन्हें रूस से तेल खरीदने के लिए कौन रोक रहा है। गेहूं के आयात के मुद्दे पर इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस दोनों से गेहूं खरीदने की तैयारी की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिकी धमकी के बावजूद भी रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक भारत ने रूस से 3,40,00,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को कच्चा तेल क्यों नहीं भेजा? अब इतने हालात क्यों बिगड़ गए हैं कि रूस ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी? बल्कि दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी एक्शन के मूड में रूस दिख रहा है। तो दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के यहाँ से एक ब्लंडर हो गया है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन की आर्मी की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यूक्रेन की आर्मी उनके पास जो दूसरे देशों के हथियार गोले आए हैं उनको खोल रही है। अब दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा ब्लंडर हो गया कि पाकिस्तान की वाट लग गई। जी हाँ दोस्तों, वायरल वीडियो में यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान निर्मित हथियार गोला इस्तेमाल करते दिखे, वीडियो में देखा जा सकता है। यूक्रेन के सैनिक वीडियो में यह बता रहे थे कि यह हथियार किस देश से आए हैं। लेकिन दोस्तों, कल डिफेंस एक्सपर्ट ने देखा कि हथियारों की जमीन चेंज हुई है, इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही वायरल हो गया है। और दोस्तों, अब यह वीडियो रूस तक पहुंची तो रूस का खून खोल गया। दोस्तों, जहां पाकिस्तान रूस से कच्चा तेल खरीदने की मांग कर रहा था,
तो वहीं पाकिस्तान रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था। अब दरअसल दोस्तों इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि रूस से युद्ध करने के लिए अमेरिका बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद सप्लाई कर रहा है और अपने मित्र देशों से भी कह रहा है कि यूक्रेन को जितना हो सके उतना असला बारूद भेजो, क्योंकि दोस्तों अमेरिका पर खुद छोटे छोटे स्तर के हथियार, असला बारूद, गोलियां वगैरह कम है। और ऐसे में पाकिस्तान जो हमेशा से भारत से लड़ने की बात करता है, उसने बेशक से कुछ बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन जंग के समय कभी पाकिस्तानी सैनिकों को गोलियों की कमी ना पड़े, इसलिए पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भर भर के बंदूक की गोलियां बारूद बनाया है और अब उन्हीं गोलों को अमेरिका के कहने पर यूक्रेन में सप्लाई किया जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान आखिर यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज के लिए IMF से लोन चाहिए और IMF में अमेरिका का ही बोलबाला है। अब दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा हथियार सप्लाई करने के बाद देखा गया है कि कल ही IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.7 बिलियन पैकेज पास कर दिया है। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद रूस का खून खोल गया है और चीन के सबसे पक्के दोस्त पाकिस्तान की तरफ से गद्दारी देखने के बाद रूस ने कड़ा एक्शन लेने का सोच लिया है। और दोस्तों अब रूस ने अपना पहला अटैक पाकिस्तान की वायुसेना पर करा है। जी हाँ दोस्तों, रूस के कारण चीन और पाकिस्तान के बनाए गए JF-17 लड़ाकू विमान की अब सामत आ गई है। पाकिस्तानी वायुसेना की फ्लीट में शामिल JF-17 लड़ाकू विमानों में से अधिकतर अब उड़ान भरने योग्य नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं, मामला इतना गंभीर है कि अगले कुछ महीनों तक इनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की वायुसेना में 2022 तक कुल 164 JF-17 लड़ाकू विमान कमीशन लिए जा चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान शुरू से ही JF-17 को अपनी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बताता आया है। ऐसे में इन विमानों के ग्राउंडेड होने से पाकिस्तानी वायुसेना की कमर टूट चुकी है। ये लड़ाकू विमान वर्तमान में पाकिस्तान समेत दुनिया की 3 देशों की वायुसेना में ऑपरेशनल है, जिसमें इसे बनाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान देने वाला चीन शामिल नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि JF-17 कितना ताकतवर लड़ाकू विमान है जिस पर पाकिस्तान हमेशा नाज करता है। दोस्तों चीन और पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2 और सुकोई SU-30 MKI को टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को यह विमान चिपकाने से पहले जमकर तारीफ की थी। चीन ने यहां तक दावा किया था कि वह खुद JF-17 को अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला है। हालांकि इसकी असलियत जल्द ही पाकिस्तान को पता चली, जब खुद पाकिस्तानी वायुसेना ने कबूल किया है कि JF-17 को चलाने और इसकी मेंटेनेंस की लागत बहुत अधिक है। दोस्तों इस JF-17 विमान में RD-93 इंजन लगता है और यही इंजन पाकिस्तान के लिए समस्या है। दोस्तों पाकिस्तान को पहले रूस से JF-17 में इस्तेमाल किया जाने वाले RD-93 इंजनों को सीधा प्राप्त करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई दौर की बातचीत के बाद रूसी इंजन कंपनी किलमोव ने JF-17 विमानों के लिए RD-93 इंजन और उससे जुड़े रिपेयर सिस्टम मेंटेनेंस फैसिलिटी को उपलब्ध करवाने पर पाकिस्तान को सहमति जताई थी, लेकिन रूसी हथियारों की दिग्गज सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, जिसे RD-93 इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद करनी थी, वह अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आ गई है। इससे सौदे को अंजाम देने में बैंकिंग समस्या पैदा हो गई है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट चाहकर भी दुनिया के अलग अलग देशों में RD-93 इंजन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की खरीद नहीं कर पा रही है। इससे इंजन निर्माण से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। लेकिन दोस्तों रूस की करेंसी थोड़ी मजबूत होने के बाद रूस चाहता था कि वह पाकिस्तान को इंजन बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, लेकिन यूक्रेन को हथियार भेजकर पाकिस्तान ने अपनी सरकार और अपने वायुसेना की मट्टी पलीद कर दी है और अब तो पाकिस्तान रूस के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पता चलने के बाद चीन पाकिस्तान और रूस के अंदर बातचीत कराने में जुटा है, लेकिन रूस अब गद्दार पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लेने के चक्कर में है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।